टी-शर्ट। बच्चों जैसे हम लोग देख रहे हैं न्यूज रिपोर्ट, परसों हम लोगों ने ऑलरेडी एक न्यूज रिपोर्ट देख लिया था, आज हम लोग दूसरे न्यूज रिपोर्ट का एग्जांपल देखने जा रहे हैं। तो आपको यहाँ पे जिस तरह से देख रहा है ब्लैक बोर्ड में कि राइट अ रिपोर्ट ऑफ हाउ यूर स्कूल सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे दिस ईयर, ये कितनी सूचना दी जाएगी। इसका मतलब क्या है, राइट अ रिपोर्ट, आपको रिपोर्ट लिखना है। यू हैव सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे, आपने क्या सेलिब्रेट किया है, इंडिपेंडेंस डे। क्या होता है इंडिपेंडेंस डे, 15 अगस्त दिन स्वतंत्रता दिन सेलिब्रेट करते हैं, तो उसे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है। बट हाउ यू सेलिब्रेटेड, हाउ मतलब आपने किस प्रकार से सेलिब्रेट किया है आपके स्कूल में दिस ईयर, इस ईयर में, तो आपको उसका क्या लिखना है, रिपोर्ट। जो बात घटित हो चुकी है उसी को हम लोग क्या करते हैं, रिपोर्ट के रूप में, न्यूज के रूप में लिखते हैं। परसों के इसमें देखा ना, न्यूज कैसे लिखी थी हम लोगों ने कि कल जो बात हो गई थी वो आज हम लोग लिख रहे हैं, बराबर है। तो वो तो एक्सीडेंट था, जो कुछ भी था, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, रिपोर्ट लिख रहे हैं। हमारे स्कूल में हम लोगों ने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया और इसका रिपोर्ट आज हम क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। तो रिपोर्ट लिखते समय सबसे पहली बात जो होती है, वी हैव टू राइट डाउन एवरीथिंग इन अ पास्ट टेंस। किसमें लिखना है, पास्ट टेंस। क्यों पास्ट टेंस में लिखना है, क्योंकि सारी घटना घटित हो चुकी है, कल घटना पूरी तरह से हो गई है, तो इसलिए हम लोग यह क्या इसमें लिखेंगे, पास्ट टेंस में। आपको हर जगह पे कहा क्या दिखाई देगा, पास्ट टेंस दिखाई देगा। तो उसके उसके लिए पॉइंट्स दिए जाते हैं, जैसे कि परसों हम लोगों ने देखे, हेडलाइन दी जाती है, फिर डेडलाइन दी जाती है, फिर शॉर्ट कंक्लूड कंटिन्यूइंग पैराग्राफ दिया जाता है, और यहाँ पे दिख रहा है कंक्लूजन दिया जाता है। तो इन चार मुद्दों के आधार पर हमें क्या लिखनी है, न्यूज रिपोर्ट लिखना है। तो पहला हेडलाइन जो होता है, तो हेडलाइन जो है वो गलती से मैंने ऊपर लिख दी है, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, ये क्या है हमारी हेडलाइन होगी। हेडलाइन समझ में आई सबके, हेडलाइन क्या होती है, हेडलाइन यहाँ पे बोल्ड लाइन में लिखनी है आपको, यहाँ पे कैसे दिख रहा है आपको, दिस इज द हेडलाइन, यहाँ पे क्या है, हेडलाइन। इस हेडलाइन को आपको किस प्रकार से लिखना है, डार्क अक्षर में लिखना है, क्योंकि वो कैसी होनी चाहिए, कैची होनी चाहिए। न्यूज़पेपर में कोई भी कब पढ़ता है, जब वो कैची होता है, कैची मतलब अपना अटेंशन, आपका ध्यान खींचने वाली न्यूज रही तो ही कोई पढ़ता है ना। तो ये जो होती है इस प्रकार से, तो ये डार्क बोल्ड लेटर्स में लिखी जाती है, और इस प्रकार से चौकट मैंने लगाई है वहां पे सिर्फ बोल्ड लेटर्स में लिखी जाती है। ये हो गया हमारी हेडलाइन, इसको आपको कितना मार्क मिलने वाला है, हाफ मार्क मिलने वाला है। फिर उसकी तरफ उसके बाद जाते हैं हम लोग डेडलाइन की तरफ। डेडलाइन मतलब ये घटना कब घटित हुई है, या फिर आज की घटना कल घटित हुई है और न्यूज कब आ रही है, आज आ रही है। तो इसलिए घटना यहाँ पे हुई है, हिंदी माध्यमिक विद्यालय नासिक, अगस्त 6, ये क्या बन गई आपकी डेडलाइन। आई समझ में, डेडलाइन कैसे लिखी है, घटना जिस जगह पे हुई है उस जगह का नाम, यहाँ पे हम लोगों ने नासिक, यहाँ पे एक्चुअली ये नहीं लिखा होगा आपके स्कूल का नाम तो भी आपका चल जाएगा, लेकिन आपकी घटना यहाँ पे नासिक में हुई है, इसलिए आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, नासिक लिखेंगे, नासिक, और यहाँ पे तारीख लिखेंगे, हो गई आपकी डेडलाइन। फिर शॉर्ट कंटिन्यूइंग पैराग्राफ, डेडलाइन आप इस प्रकार से शुरू करते हैं कि आपका रिपोर्ट लिखना है, तो रिपोर्ट में क्या क्या लिखना है, आपके स्कूल में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड किया गया, सब सब मिलकर ग्राउंड में सब इकट्ठा हो गए। फिर उसके बाद आपके इंडिपेंडेंस डे के कोई चीफ गेस्ट होते हैं, बराबर है, तो चीफ गेस्ट का नाम उन्होंने क्या किया, फिर फ्लैग हॉस्टेशन कब हुआ, ये सब कुछ आना चाहिए। तो अब देखो हम लोग कैसे जा रहे हैं, हिंदी माध्यमिक विद्यालय सेलिब्रेटेड द इंडिपेंडेंस डे विथ ग्रेट एंथुसियाज्म। पहला वाक्य क्या किया हम लोगों ने, कि इंडिपेंडेंस डे वॉज सेलिब्रेटेड इन हिंदी माध्यमिक विद्यालय, ये इतना सिंपल लिखा होता तो भी चलेगा। यहाँ पे मैंने इस तरह से लिखा है कि हिंदी माध्यमिक विद्यालय सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड करना मतलब मनाना, क्या मनाया, इंडिपेंडेंस डे विथ ग्रेट एंथुसियाज्म, कैसे मनाया, उत्साहित मना, बहुत उत्साह से मनाया, क्योंकि ये रिपोर्ट लिख रहे हैं, कैसे हुआ था, बहुत उत्साह से हम लोगों ने मनाया, इसलिए हम लोगों ने विद ग्रेट एंथुसियाज्म, ये फर्स्ट सेंटेंस हमारा क्लियर हो गया। फिर ऑल द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स वेयर गैदर्ड ऑन द ग्राउंड एट 7:30 AM, तो ये हमेशा वही होता है एट 7:30 AM ऑल द स्टूडेंट्स एंड ऑल द टीचर्स गैदर्ड ऑन द ग्राउंड, गैदर्ड मतलब जमाना, यहाँ पे गैदर्ड शब्द लिया है, देखो गैदर्ड होना मतलब इकट्ठा होना, सब स्टूडेंट्स और टीचर्स जो है वो कहाँ पे गैदर्ड हो गए, ऑन द स्कूल ग्राउंड, स्कूल के ग्राउंड पे, कब, एट 7:30 AM। फिर सब यहाँ पे और भी एक वाक्य लिख सकते थे, ऑल वेयर स्टैंडिंग इन अ रो, सबके सब एक रो में
स्टैंड हो गए, सब खड़े हो गए रो में, जैसे बताई गई थी क्लासरूम्स के। फिर उसके बाद मिस्टर प्रधान द सेक्रेटरी ऑफ आवर इंस्टीट्यूट वॉज द चीफ गेस्ट। इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट कोई ना कोई तो होते हैं ना, तो यहाँ पे हम लोगों ने ऐसे ही कोई नाम दे दिया कि मिस्टर प्रधान। राष्ट्रगान, सारे मिलकर हम क्या गाते हैं? राष्ट्रगान। एक के बाद चल रहा है ना बराबर सही, हम ऐसे ही करते हैं ना प्रोग्राम। तो नेशनल एंथम का सब स्टूडेंट्स जो है, ऑल द स्टूडेंट्स दे सैंग द नेशनल एंथम। उसके बाद अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स सैंग सम पैट्रियोटिक सॉन्ग। पैट्रियोटिक सॉन्ग्स का मतलब क्या होता है? राष्ट्रभक्ति पर जो गीत होते हैं उसे, उसका गायन कुछ बच्चों ने कपड़े सर लेके बैठते थे ना ग्रुप में, बच्चों को ग्रुप बनाते थे और वो मिलकर क्या गाते थे? देशभक्ति पर गीत गाते थे। सो इसी प्रकार से ग्रुप ऑफ स्टूडेंट सैंग सम पैट्रियोटिक सॉन्ग हो गया। अब ये सब हो गया हमारा शॉर्ट कंटिन्यूइंग पहला। अब हम जा रहे हैं कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन मतलब अब इसको खत्म करते जा रहे हैं, इसको रिपोर्ट्स को। तो रिपोर्ट्स खत्म होते समय क्या क्या हुआ है? ये सब कुछ प्रोग्राम तो खत्म हो गया, फिर उसके बाद क्या हुआ? मिस्टर प्रधान देन एड्रेस द स्टूडेंट्स। ये प्रधान जो आए थे चीफ गेस्ट हमारे, उन्होंने बच्चों को क्या किया? एड्रेस किया। एड्रेस मतलब उनको संबोधित किया। बच्चों को संबोधित करते हैं ना, कुछ ना कुछ भाषण देते हैं, तो उन्होंने संबोधित किया। He spoke about the love for nation. और उन्होंने किस बारे में बात की? Love for nation. कुछ भी विषय आप बता सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने कहा कि he talked about the love for nation. He talked about the women empowerment. कुछ भी आप डाल सकते हैं अपने मन से। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है कि he spoke about the love for nation. देखो speak का past tense, spoke. हर चीज मैंने किसमें ली है? Past tense में। Address ईडी लगाया है, दिख रहा है? Then Mr. Pradhan opened officially the drawing exhibition. वहाँ पे एक drawing exhibition भी लगाया था स्कूल में, तो उसका उन्होंने क्या किया? Open लिखा, inauguration लिखा तो भी चलेगा, यहाँ पे आप open कीजिएगा, मैंने जानबूझकर ये किया, इसका आपका शब्द यहाँ पे inauguration लिखा तो भी चलेगा। Inauguration मतलब उसका opening किया officially the drawing exhibition. And at last, और सबसे end में क्या हुआ? There was a sweet distribution. फिर एंड में क्या होता है? स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन, सब बच्चों को क्या क्या दिया जाता है? टॉफी दी जाती है। तो इस प्रकार से हमारे स्कूल में क्या हो गया है? इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया। कैसे जा रहे हैं सुनना? अभी तो हम लोगों ने इंडिपेंडेंस डे का रिपोर्ट लिखा। परीक्षा में नॉट नेसेसरी कि इंडिपेंडेंस डे ही आएगा। परीक्षा में आपका ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम, हाउ यू सेलिब्रेटेड द ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम, ये भी आ सकता है। आनंद सर रिपब्लिक डे आप कैसा सेलिब्रेट करते हो वो आ सकता है। गांधी जयंती कैसे सेलिब्रेट करते हो वो आ सकता है। तो जिस प्रकार से हमारे स्कूल में प्रोग्राम्स होते हैं, सबसे पहले क्या होता है? सब एक जगह पे, एक हॉल में जमा होते हैं। यहाँ पे सब गैदर्ड इन ऑन द ग्राउंड किया था हम लोगों ने। ऑल द स्टूडेंट्स वेयर गैदर्ड ऑन द ग्राउंड। फिर चीफ गेस्ट आए, देन द चीफ गेस्ट अराइव्ड देयर। He hoisted the flag at 8 PM, 8 AM उन्होंने कितने बजे flag hoistation किया? 8 बजे किया। फिर उसके बाद किया, सबने flag को क्या दिया? Salute किया। फिर सबने क्या किया? National anthem गाया। और उसके बाद एक छोटे से group ने कौन से गीत गाए?
पैट्रियोटिक सॉन्ग, उसको क्या कहते हैं पैट्रियोटिक सॉन्ग गाया। तो ये सब हमारी क्या हो गई, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद क्या कैसे कैसे घटना हुई है वो आपको लिखनी है। और इसके बाद किसी टीचर ने सूत्र संचलन किया है तो उसका नाम भी आप लिख सकते हो, मिसेस भांडगे इसका जो सूत्र संचलन जो है प्रोग्राम का, तो वो किसने किया था, मिसेस भांडगे ने किया था, वो आप नाम भी इसमें आप डाल सकते हैं, कितने टीचर्स वहाँ पे प्रेजेंट थे उनके नाम भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। आ रहा है समझ में, आपको मन से जितना ऐड करना है न्यूज रिपोर्ट में आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी न्यूज रिपोर्ट ज़्यादा बड़ा होना नहीं, वो सिर्फ शॉर्ट में होना चाहिए क्योंकि न्यूज़ है, बाकी के इसमें हम लोग बहुत सब ऐड कर सकते हैं लेकिन न्यूज रिपोर्ट में हमें ज़्यादा ऐड करना नहीं है। आज हमें प्रोग्राम किस प्रकार से होता है वो न्यूज रिपोर्ट में आना जरूरी है। याद रखो ये क्या है, रिपोर्ट है, क्या है ये रिपोर्ट है। आंसर में किस प्रकार से रिपोर्ट किया है, सिर्फ यहाँ पे मैंने ये जो विषय है ये विषय की जगह पे आपको क्या लिखना है, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, ये पहले लिखना है, विषय सब उसके ऊपर आएगा आंसर में। तो न्यूज रिपोर्ट आप समझ में आ सकते हैं, और एक हाथ के एग्जाम्पल की जरूरत होगी, हम लोग फिर इससे प्रैक्टिस करेंगे, लिख लो।